आज के इस वीडियो में मैं आपको पे नियर बाई माइक्रो एटीएम डिवाइस के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसी डिवाइस जिससे आप कस्टमर्स को कैश विड्रॉल की फैसिलिटी दे सकते हैं और आप कस्टमर से कार्ड्स के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। पे नियर बाई माइक्रो एटीएम डिवाइस आप खरीद सकते हैं लॉन्च प्राइस केवल 1899 रुपीज पर, जो कि इंडस्ट्री में आपको सबसे कम दाम पर मिलता है। ये सिर्फ एक बार का निवेश है, इसके लिए आपको कोई मंथली चार्जेस नहीं देने होते। सेटलमेंट तुरंत आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगी। हर एक ट्रांजैक्शन में आप इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कमीशन कमा सकते हैं। इस एक डिवाइस की मदद से आप आजीवन कमाई सुनिश्चित कर सकते हैं। ये डिवाइस 100% सुरक्षित और कॉम्पैक्ट है। लंबी बैटरी के साथ ये डिवाइस ब्लूटूथ सक्षम है। इस डिवाइस को आप बिना किसी की मदद के तुरंत और आसानी के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। इस डिवाइस पर आपको एक साल की वारंटी भी मिलती है। ये डिवाइस RBL बैंक द्वारा पावर्ड है। इस डिवाइस से आप सभी बैंकों के कार्ड्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। ATM कैश विड्रॉल पर कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। MPUS पेमेंट पर रेगुलर MDR चार्जेस लागू होते हैं। पे नियर बाई माइक्रो ATM डिवाइस कैसे ऑर्डर करनी है, कैसे एक्टिवेट करनी है और कैसे इसको यूज करना है, चलिए मैं आपको लाइव डिटेल्स में दिखा देता हूँ। ये है पे नियर बाई माइक्रो ATM डिवाइस। इस एक डिवाइस से आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप अपने कस्टमर्स को कैश विड्रॉल की फैसिलिटी दे सकते हैं, दूसरे आप अपने कस्टमर्स से कार्ड्स के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास ये डिवाइस नहीं है तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डिवाइस आपको ऑर्डर कैसे करनी है। पे नियर बाई एप्लीकेशन में माइक्रो ATM पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको मोरफन 63 पर क्लिक करना है। जिस एड्रेस पर भी आपको डिवाइस चाहिए वो एड्रेस आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद प्रोसीड, अपने पे नियर बाई वॉलेट से 1899 रुपीस का पेमेंट करेंगे। इसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ये डिवाइस बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। डिवाइस मिलने के बाद फर्स्ट टाइम इसको एक्टिवेट करना होता है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डिवाइस आपको एक्टिवेट कैसे करनी है। पे नियर बाई ऐप में माइक्रो ATM पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मोरफन 63 चूज करेंगे। इसके बाद योर डिवाइसेस पर क्लिक करना है। इसमें आप करेक्ट सीरियल नंबर की डिवाइस चूज करेंगे। आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएगी। आप स्कैन बारकोड पर क्लिक करेंगे। बारकोड स्कैन करने के लिए परमिशन देंगे। डिवाइस के पीछे एक बारकोड दिया गया है, वो बारकोड आपको स्कैन कर लेना है। बारकोड स्कैन करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे एंड फाइनली एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुल, आपकी डिवाइस एक्टिवेट हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये डिवाइस एज ए ATM कैसे यूज करेंगे, अपने कस्टमर्स को कैश विड्रॉल की फैसिलिटी कैसे देंगे। तो इसके लिए आप इस डिवाइस को ऑन करेंगे। पे नियर बाई एप्लीकेशन में माइक्रो ATM पर क्लिक करेंगे। इसमें मोरफन 63 पर क्लिक करेंगे। इसमें ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे। माइक्रो ATM डिवाइस ब्लूटूथ के थ्रू फोन के साथ पेयर करेंगे, जिसके लिए आप ब्लूटूथ आइकन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने डिवाइस आ जाएगी, आप इस पर क्लिक करके इसको पेयर कर लेंगे। इसमें आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे आप चूज करेंगे विड्रॉ या बैलेंस इंक्वायरी और नीचे आप अमाउंट डालेंगे कितना आपको विड्रॉ करना है। इसके बाद सबमिट। एक बार आपको माइक्रो ATM फाइल डाउनलोड करनी होती है, इसके लिए आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें आप कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कार्ड इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद आप कस्टमर से पिन एंटर कराएंगे। इसके बाद ग्रीन बटन प्रेस करेंगे तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बैलेंस आपके ट्रेड वॉलेट में क्रेडिट हो चुका है। इसके बाद आप कस्टमर को कैश हैंड ओवर करेंगे। ट्रेड वॉलेट में आप देख सकते हैं कितना बैलेंस अवेलेबल है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। इस बैलेंस को आप बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं और आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी सेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप इस डिवाइस को POS की तरह कैसे यूज करेंगे, यानी कैसे आप कस्टमर से कार्ड्स के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए आप पे नियर बाई एप्लीकेशन में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा MPUS। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप चूज करेंगे मोरफन, इसमें आप चूज करेंगे ट्रांजेक्शन टाइप, इसमें आप सेल चूज करेंगे। इसमें आप कस्टमर का मोबाइल नंबर और अमाउंट डालेंगे और इसके बाद सबमिट करेंगे। 500 रुपीज का पेमेंट हम कस्टमर से ले रहे हैं, कंफर्म करेंगे। MPUS फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें आप कस्टमर का कार्ड इंसर्ट कराएंगे, कस्टमर से पिन एंटर कराएंगे और ग्रीन बटन प्रेस करेंगे। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 500 रुपीस का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। सो इस तरह से आप अपने कस्टमर से कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो सब आप यहाँ रिपोर्ट्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें आपको सभी तरह की रिपोर्ट्स मिल जाएगी, जैसे कि आपको
पॉइंट ऑफ सेल की देखनी है तो आप नीचे MPUS पर क्लिक करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कस्टमर से कार्ड्स के थ्रू आपने कितना पेमेंट एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह से आप पे नियर बाई माइक्रो ATM डिवाइस ऑर्डर कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, एज ए ATM यूज कर सकते हैं और एज ए POS मशीन भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।